स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बालाघाट में की विभागीय कार्यों की समीक्षा। प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाने में करे सहभागिता। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज 20 जनवरी को बालाघाट में प्रवास कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पंचायत व ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग की समीक्षा की। वॉइस ओवर बता दें कि बैठक के पहले पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल विविध कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारी की बैठक की और बाद में कोर कमेटी की बैठक ली। मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश सुंदर संसाधन वाला और शांतिप्रिय प्रदेश है, जिसे नंबर वन बनाने में हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो जरूर बताएं, जिसे हम आलोचना में नहीं सुझाव के रूप में लेंगे। बालाघाट से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विकास के लिए रेत की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में मिल नहीं रही है। ये समस्या पंचायतों में बनी हुई है, उसकी जानकारी मैं लूंगा। ये जैसे सिवनी जिले में लखनऊ जोन में बड़ा संकट रहा है, ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा तो उसके नेशनलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। कई बार CSR उसमें आड़े आते हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे, पर वो हम जिला के जो हमारे जिलाधीश है उनसे एक रिपोर्ट करूँगा। भाई साहब, रेत महंगी है एक्चुअल में, रेत भरपूर है यहाँ पे, इतनी महंगी की बजट बिगड़ रहा है। डिबेट क्यों कर रहे हैं इस कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में 100 दिन का रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में अव्वल आया था। आज स्थिति यह है कि मनरेगा योजना में रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा। बालाघाट जिले का 28 करोड़ का भुगतान पेंडिंग है, जो अभी एक हफ्ता पहले ज्यादा है। आप 2-3 करोड़ कम बता रहे, 30 समीक्षा में बात ध्यान रखे। भाई साहब, मेरा सवाल है कि GDP को लेकर आपने कहा कि 4th से 5वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है 121वें नंबर पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर हमें आगे बढ़ना होगा। जनसंख्या का घनत्व तो बाकी जगह से कितना है, इधर इसका भी विचार करना चाहिए। भाई साहब, श्रम विभाग में युवाओं को मौका मिलेगा इस बार? भाई साहब, एक विषय बड़ा था कि निर्माण कार्य जब होते हैं, श्रम विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन जो तय कर पारिश्रमिक जो तय करके रखा हुआ है, लेकिन उससे अलग हट करके जमीनी लेवल पर हम देखते हैं तो निर्माण एजेंसियों द्वारा जो पारिश्रमिक जो दिया जाता है, मजदूरी जो दी जाती है, वो मजदूरों को वो उसका पालन नहीं किया जाता। नहीं, मुझे लगता है कि कोई मजदूर शिकायत करता तो उसकी सुनी जाती है, नहीं इस पर विचार करिए। जी जी, बाकी चीजों पर हर जगह पर अपन सोचेंगे तो मुझे लगता है सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन अगर कोई मजदूर शिकायत करता तो उसका सुनी जाना चाहिए और सुनी जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ। लोकसभा